वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेक गाइड वसीम। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस ऑनलाइन अपडेट कैसे करोगे। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपने घर बैठ के अपने आधार कार्ड को अपडेट कैसे करोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी हेल्पफुल कंटेंट आप तक पहुँच सके। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कैसे करोगे, वो भी ऑनलाइन घर बैठ के। इस वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर आपका सीओ, जो कि नए रूल्स के तहत यूडीआई ने चेंजेस किए हैं, जो सीओ है वो हर एक आधार कार्ड पे होता है यानी केयर ऑफ, वो भी आप इजिली ऑनलाइन घर बैठ के चेंजेस कर सकते हो। पहले जो है आपके आधार कार्ड में नैम डीओबी भी ऑनलाइन करेक्ट हो जाता था, अगर आपको करेक्शन करनी होती तो आप इजिली ऑनलाइन अपडेट कर सकते थे, लेकिन अब जो है यूडीआई ने बहुत सारी चेंजेस की हैं। अब आप खाली अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो ऑनलाइन। तो आपको आना होगा अपने मोबाइल फ़ोन, पीसी या कंप्यूटर के ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा UIDIA। UIDIA सर्च करने के बाद आपके सामने यूडीआई का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। UDI की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, तो आपको यहाँ पे UIDAI.gov.in सर्च कर देना है। उसके बाद आपके सामने UIDIA का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी जो आपकी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर देनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर आगे ब्राउज़र रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे माय आधार का एक सेक्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो आधार का लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। लॉगिन पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, आपको इस पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले पेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आगे ब्राउज़र रिडायरेक्ट कर देगा। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली साइट पे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। यहाँ पे आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हो। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहां से अपना जो एड्रेस है वो अपडेट नहीं कर सकते हो। आपको अपने नज़दीकी आधार सेंटर पे जाके वहां से अपना मोबाइल नंबर लिंक करना है, फिर आप ऑनलाइन इजीली यहां पे अपना एड्रेस जो है वो अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आपके आधार कार्ड पे एक OTP जाएगा, आपको यहाँ पर अपना OTP फिल कर देना है जो भी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है, उसके बाद आप सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एड्रेस अपडेट का, तो आपको यहाँ पे एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट आधार ऑनलाइन इस पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो है वो ऑनलाइन अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है UIDAI ने बंद कर दिया है। आप अपने आधार सेंटर जाके अपना नेम या आपका डेट ऑफ बर्थ या जेंडर गलत होगा वहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। अगर आपको एड्रेस अपडेट करना है या आपको अपना केयर ऑफ अपडेट करना है, आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से अपना जो रिक्वायर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो चेक कर सकते हो। वो चेक करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस अपडेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे मेरा करंट एड्रेस शो हो रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे केयर ऑफ अपना डाल देना है, जो भी आपका केयर ऑफ होगा। यहाँ पे आप जो है नए रूल्स के तहत केयर ऑफ ही चलता है, पहले जो है स्नाफ या वाइफ ऑफ या डाटर ऑफ वो जो है चेंजेस हो गए हैं, अब जो है सबको यहाँ पे केयर ऑफ ही डालना पड़ता है। यहाँ पे आपको अपना केयर ऑफ फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग अपार्ट अपना फिल करना है, स्ट्रीट रोड लैंड फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना लैंडमार्क डालना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल करना है, जो भी आपका पिन कोड होगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना। आप यहां से पिन कोड डालेंगे, आपका जो स्टेट है वो ऑटोमेटिक यहां से सिलेक्ट होके आएगा। जैसे कि यहां पे मैंने अपना पिन कोड फिल किया तो जो है स्टेट ऑटोमेटिक यहां पे फिल हो गया है। उसके बाद आपको यहां से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। यहां से आपको अपना विलेज सिलेक्ट कर देना है, जो भी आपका विलेज होगा आपको वो यहाँ से डाल देना है।
वॉलेट डालने के बाद आपको यहाँ से नीचे आ जाना है, पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लेने हैं कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, या आप अपना डिसेबिलिटी आईडी कार्ड अगर आपके पास है विद उस पर एड्रेस होना चाहिए और फोटो होना चाहिए, आप अपलोड कर सकते हो। तो मैं एक ही चीज़ यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, आप अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करो, आपकी जो करेक्शन है एड्रेस में वो इजिली हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी डोमिसाइल सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको पहले ही मैंने बताया कि आपके फ़ोटो आईडी कार्ड पे फ़ोटो आपका होना चाहिए, नेम होना चाहिए रेजिडेंट का, और मस्ट भी एड्रेस होना चाहिए, और जो आपका स्कैनर डॉक्यूमेंट है वो मस्ट भी कलर्ड स्कैन होना चाहिए और क्लियर दिखना चाहिए। उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ से आपको व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो अपडेटेड न्यू एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से अगर कोई गलती लगी है फिर आप यहाँ से अपना एड्रेस अपडेट ये एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है वो चेक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एलो यूडीआई टू करेक्ट ट्रांजेक्शन, इस पर क्लिक करना, आई हैव डिक्लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो यूडीआई का पेज आगे रिडायरेक्ट कर देगा। आपको यहाँ से 50 रुपीज़ जो है वो पे करनी होगी। यहाँ पे आपको 50 रुपये जो है आपकी फ़ीस रहेगी, आपको वो ऑनलाइन पे करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से रोजर पे या कोई पेमेंट ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पे पेमेंट BIZ सेलेक्ट करता हूँ, मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको पेज जो है वो आगे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आप अपनी कार्ड डिटेल्स डाल सकते हो। अगर आपके पास नेट बैंकिंग अवेलेबल है, आपको अपनी नेट बैंकिंग डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, तो आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर आपके पास डेबिट कार्ड यानी आपको ATM है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप यहाँ से अपना कार्ड नंबर डाल के आप यहाँ से प्रोसीड करके आप OTP फिल करोगे, आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।